प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयीयाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सर्वसां जिन स्वानुभूति से श्री विमल दारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रभाव भावती रागादी विकलप तोड़ी के ममा सरस्वती प्रतिभा आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। भेद विज्ञान बुद्धिपूर्वक करने योग्य कार्य है। अनादि काल से आज तक यदि कोई काम नहीं किया है तो वो सिर्फ भेद विज्ञान नहीं किया है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो आज तक हमने अनंत बार किया नहीं हो। अनंत पंच परावर्तन हो गए संसार में परिभ्रमण करते हुए, अनंत काल व्यतीत हो गया, सिर्फ एक काम नहीं हुआ, निज में निज पना, अपने में अपनापन, पर में परायापन। यह भेद विज्ञान जब होता है तो उस भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, आत्मानुभूति होती है। यह जीव निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने की क्या विधि है, उस निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, वो प्रक्रिया यहाँ अपनी चल रही थी। रत्न खरीदने का उदाहरण देकर के निर्विकल्प होने की बात कही, और यदि मैं पिछली बात को थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न करने की बात कही थी। जो भेद विज्ञान हमें करना है, भेद विज्ञान माने भिन्नता का ज्ञान, वेद विज्ञान माने जो पर है उनको पर जाने, जो निज है उसको निज जाने, फिर पर को परायापन जानकर दृष्टि वहाँ से हटे और अपने को अपना स्वरूप जानकर अपने में दृष्टि केंद्रित हो, ये काम करना है अपने। ये विधि है, यही प्रक्रिया है सम्यक दर्शन के प्राप्त करने की। इसमें नौ कर्म से वेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, क्योंकि हम सब द्रव्य कर्म भाव कर्म के चक्कर में नहीं, नौ कर्मों को सुधारने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। द्रव्य कर्म से तो भेद विज्ञान करना है, ठीक है, भाव कर्म से भी करना है, लेकिन द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भेद विज्ञान की चर्चा, ये समझ लो आप, विशेष गहराई वाले लोगों के लिए, क्योंकि जन सामान्य तो इसको समझता ही नहीं है। आप सोचिए, शिवभूति मुनिराज ने जो भेद विज्ञान किया, समझ गए ना आप, शिवभूति मुनिराज दाल और छिलका भिन्न, उन्होंने जो भेद विज्ञान किया वे ना तो द्रव्य कर्म जानते थे ना भाव कर्म जानते थे। मतलब वो भेद विज्ञान कैसा भेद विज्ञान होगा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हमने शरीर में अपनापन कर रखा है, सारी तकलीफ यहां से शुरू होती है, शरीर में अपनेपन से सारी झंझटें शुरू होती है। जितने संबंध जगत में दिखाई देते हैं वो सब शरीर के माध्यम से, और शरीर से जिसका अपनापन टूट गया अब घर से कैसे हो सकता है, शरीर से जिसका अपनापन टूट गया अब पत्नी से कैसे हो सकता है, पुत्र से कैसे हो सकता है, परिवार से कैसे हो सकता है, धन दौलत वैभव से कैसे हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें सब किससे जुड़ी है, शरीर से जुड़ी है। एक से कनेक्शन तोड़ देने पर सबसे कनेक्शन अपने आप टूट जाता है, तोड़ा नहीं जाता। जैसे लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, नहीं, और ये सब जितने लाइट से चलने वाले सब हैं, और पावर हाउस से लाइट ऑफ हो गई, अब क्या होगा, अलग अलग बंद करने पड़ेंगे। एक से संबंध टूटने पर, एक बंद करने पर सब अपने आप बंद हो जाते,
स्वयं ही बंद हो जाते हैं, बंद करना नहीं पड़ता है। तो शरीर से जिसका अपनापन टूट गया उसका बाहरी पदार्थों से अपनापन अपने आप टूट जाता है। इस शरीर के अपनापन तोड़ने को कहते हैं नौकर्म से अपनापन तोड़ देना। शरीर माने नौकर्म, शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ भी नौकर्म कहलाते हैं। घर बार महल मकान स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ, वो सब क्या है? नौकर्म। शरीर नौकर्म, तो इस नौकर्म पर हमारी चलती नहीं है, ये भेद विज्ञान करना है। और ये कब करें भेद विज्ञान बोलो? जब आपके सर दर्द हो, कर सकते हो? कह रहा हूं क्योंकि आप चाहते हो कि नहीं हो और हो रहा है, इसका मतलब आपके हिसाब से नहीं चल रहा, ये तो भेद विज्ञान है। आप इस गड़बड़ ऐसे मत लाओ, समझो बात को क्या कह रहे हैं हम। हम ये कह रहे हैं जब भी कोई ऐसी प्रतिकूलता हो, ठंड लग रही है और आप चाहते हो नहीं लगे और लग रही है, तो हम चाहते हैं कुछ और हो रहा है और कुछ, इसका मतलब हमारे चाहने के बिना भी हो रहा है, हमारे नहीं चाहते हुए भी हो रहा है। तो जो काम हमारे नहीं चाहते हुए हो रहा है इसका सीधा सीधा सा अर्थ है उस पर हमारी चलती नहीं है, यही अर्थ हुआ। हमने कहा ऐसा कर और बच्चे ने किया नहीं वैसा, इसका मतलब उस पर हमारी चलती नहीं है, यही अर्थ हुआ। किसी के ऊपर भी हमने कहा भाई साहब नहीं माने, तो इसका मतलब उन पर हमारी चलती नहीं। किसी भी संयोग के ऊपर ये नौकर्म से भेद विज्ञान करने के इतने चांस मिलते हैं हमारे को, दिन भर मिलते हैं चांस। नौकर्म से भेद विज्ञान करो, शरीर आदि पदार्थों से भेद विज्ञान करो, तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रहा है, दुनिया तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रही है, शरीर तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रहा है, एक वस्तु तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है, ये क्या हो गया? ये फट कैसे गया? ये गंदा कैसे हो गया? ये कबूतर ने बीट कर दी, ये क्या हो गया? ये ड्राई क्लीन के लिए दिया था, ये फिर भी साफ नहीं हुआ, कहीं तो नहीं चल रही है तुम्हारी, कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता है, कहीं मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तुम चाहते हो और चले और ये तो झटके से ही बंद हो गई, तुम बात करना चाहते हो बात नहीं हो रही है, तुम चाहते हो नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखो आप सुबह से शाम तक अपनी लाइफ को देखो। जब हम सुबह से शाम तक अपनी लाइफ को देखते रहते हैं तो समझ में आता है यार कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। खाता हूं खाना चाहता क्या हूं, होता क्या है, बनाना चाहता क्या हूं, बनता क्या है, इच्छा किस चीज की है, काम क्या हो रहा है, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। और जहां आपके हिसाब से नहीं चले वहां तुरंत चोट मारना इस भेद विज्ञान के बल से। कैसे चोट मारना? देख तेरी चलती नहीं है, देख तेरी चलती नहीं क्या, दांत में दर्द चल नहीं रही है क्या, मेरी चलती नहीं, इस शरीर पे मेरी नहीं चल सकती क्या, आंखें जलने लगी, मेरी चलती नहीं है इस पे शरीर पे, तो मेरी चलती नहीं है, तो जहां तेरी नहीं चलती है तो जबरदस्ती क्यों चलाता है, तो चलाने की बुद्धि क्यों रखता है, फिर जहां तेरी चलती है तो वहां क्यों नहीं चलाता है, समझ में आ रही है सब? दुकान पे आपकी नहीं चल रही, ग्राहकों पे आपकी नहीं चल रही, दुकान छोड़ो घर में आपकी नहीं चल रही, घर की दीवारों पर आपकी नहीं चल रही है, कहीं जाले हो गए आपकी नहीं चल रही है, गंदा हो गया नहीं चल रही है, हैं टूट फूट हो गई, क्रैक हो गया तुम्हारी नहीं चल रही है, ये कोई बात नहीं, चेतन पर तो चलेगी, परिवार पर तो चलेगी, मानते नहीं क्या? देखो जब कभी इसकी इच्छा के अनुसार काम होता हुआ दिखाई देता है तो ये घमंड करता है, मैंने किया, मैंने करवा दिया, आप कहो बोलो मैं करवा सकता हूं क्या, बोलो क्या काम करवाना है, जब कोई काम अटक रहा हो तो बता ना, याद करना कभी क्या, सब काम अपने पहुंचे ऊपर तक, ऐसा वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थोड़ा सा, अरे क्या बात कर रहे हो, उस बाबू ने अटका रखी, तो आप कहो तो उसको ट्रांसफर करवा दे, सीट से हटवा दे उसको, अरे भाई तेरे अंतराय कर्म का उदय है इसलिए तेरा काम नहीं होता, कौन है उदय, यदि अंतराय का चल रहा है पाप कर्म का उदय चल रहा है तो पाप कर्म के उदय में काम नहीं होते, किसको दोष दे रहा है, ये पर वस्तुएं तेरे हिसाब से नहीं चलती है इसलिए उनकी तरफ देखना बंद कर, उनपे चलाना बंद कर, ये नौकर्म कितना अच्छा है। माने देखो पाप कर्म का उदय वेद विज्ञान का मौका देता है और पुण्य कर्म का उदय अभिमान के पोषण
करता है तो बोलो कौन अच्छा बनोगे, पाप का उदय या पुण्य का उदय? मैं उदय की बात कर रहा हूं, उदय अलग चीज है और भाव अलग चीज है। पाप का उदय अलग भैया और पाप भाव अलग चीज है। पाप भाव से अपना कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन पाप के उदय में अपना कल्याण हो सकता है, क्योंकि पाप के उदय में कोई जीव पापी हो ये जरूरी नहीं है। उदय पाप का चल रहा है, क्या करें, पाप कर्म का उदय चल रहा है, इल्जाम लगा दिया, पाप कर्म का उदय चल रहा है, माथे पड़ गए, पाप कर्म का उदय चल रहा है, जबरदस्ती झूठे आरोप लगा दिए, पाप कर्म का उदय चल रहा है, क्या करें बोलो ऐसे पाप कर्म के उदय में। टोडरमल जी के ऊपर था पाप कर्म का उदय, कैसी परिस्थिति बन गई, पाप कर्म के उदय में शरीर साथ नहीं देता, पाप कर्म के उदय में कोई साथ नहीं देता, मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। पाप कर्म का उदय आया, सेठ सुदर्शन के ऊपर इल्जाम लगा दिया, बोलो रानी ने सुदर्शन सेठ पर, सुनिए कहानी सबने, फिर क्या हुआ, उदय पाप का था, क्या करें, पाप कर्म का उदय आया, पाप कर्म का उदय था, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर वो कमट पत्थर बरसाने लगा, उदय पाप का था लेकिन पापी नहीं थे। ये जितने मुनिराजों के चित्र दिखाई देते हैं, ये गज कुमार दिख रहे हैं, नीचे केशोधर मुनिराज दिख रहे हैं, पांडव मुनिराज दिख रहे हैं, सुकुमार सुकौशल मुनिराज दिख रहे हैं, इन सबके पाप कर्म का उदय तो है लेकिन पापी नहीं है, पापी नहीं है। उदय पाप का चल रहा है, अंदर में धर्म हो रहा है, पापी नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा धर्मात्मा है, धर्म कर रहे हैं, वेद विज्ञान की धारा चल रही है अंदर में। तो पाप कर्म का उदय क्या काम करता है, मौका देता है वेद विज्ञान का। पुण्य का उदय क्या करता है, भ्रमित कर देता है, नशे में चढ़ा देता है, अपनी खूब चलती है, अपन तो बस क्या क्या नहीं कर सकते, अपन सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह अपनी चल रही है, और अच्छे अच्छे गामा पहलवान जैसे चलती गाड़ी को पीछे से यदि वो गाड़ी पकड़ लेवे तो आप कितना भी तेज एक्सीलेटर दो वो गाड़ी हिला नहीं सको आप आगे, इतनी ताकत थी। अंत समय में क्या हुआ, चेहरे पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता था। अब बोलो आप, अब क्या करें, सुन गामा पहलवान का नाम नहीं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं आपने देखा होगा हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आपने उससे कुश्ती लड़ी होगी नाम ही सुना है, सिकंदर सम्राट, सब एक से एक खूब उदाहरण मिलेंगे हमारे, सनत कुमार चक्रवर्ती। अरे क्यों किसी दूसरों की बात करते हो, आप अपने शरीर की बात करो, क्या वजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ने दे रहे हो, थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्यों क्यों कमजोर हो रहे हो, कई लोग मिलते हैं वे कहते हैं आप तो बहुत कमजोर, इतने कमजोर क्यों रहते हो, इतने कमजोर क्यों हो रहे हो आप, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कई लोगों के बारे में, नहीं हो गया क्या बात है, इतने कमजोर क्यों हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, हम थोड़ी ना चाहते हो ना, क्यों हो रहे हो, इसका क्या जवाब है, इतना वजन क्यों बढ़ा रखा है, वजन कैसे बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना चलती है, कहीं हमारी नहीं चल रही है, बस वेद विज्ञान करो, ये वेद विज्ञान है, क्या गजब शब्द दिए बोलो, सबसे पहला वेद विज्ञान, प्रथम में प्रथम वेद विज्ञान किससे करना, नौकर्म से, तू नौकर्म से भिन्न है, शरीर से भिन्न है तू, स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, दुकान नहीं चलाते आप बोलो, गृहस्थी नहीं चलाते, चला ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं सब द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य माने समझते हैं ना, हर वस्तु स्वतंत्र है, हर वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, इस स्वतंत्रता स्वाधीनता को पहचानने वाले ज्ञानी हो जाते हैं, यही तो वेद विज्ञान है, और क्या है, वे आनंदित क्यों रहते हैं, वे मस्त क्यों रहते हैं, मां मुनिराज सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी जीव, आत्मानुभवी जीव, ये क्या है उनकी मस्ती का आधार, वो जानते हैं भैया ये अपनी योग्यता से चलेगा, अपने को अपनी योग्यता से, हर वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है, मत देख किसी वस्तु की तरफ, देखना बंद कर दृष्टि फिरा ले, सब द्रव्य स्वतंत्र है,
लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या कह रहा हूं राजेंद्र जी भाई साहब? बोलना नहीं आता, बोलो। आप बोल ही नहीं सकते हो, आप लिख ही नहीं सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो। ये साहब कैसी बातें कर रहे हो आप, उलटपटांग बातें। आपको पता नहीं है मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। आप कह रहे हो पढ़ नहीं सकते, है क्या बात कर रहे हो, लिख नहीं सकते। कई लैंग्वेज आती है तो आपको पता है, हिंदी तो आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी जानता हूं, प्राकृत भी जानता हूं, गुजराती भी ऐसे पढ़ सकता हूं कि गुजराती लोग भी कहेंगे यार तुम्हें गुजराती छो। सही कह रहा हूं, इतना फ्लुएंट पढ़ता हूं। अब बोलो आप कितनी कितनी भाषाएं जानते हैं? सुनो तुम कुछ नहीं जानते हो क्या, तुम एक अक्षर जैसे बोल दो दोबारा वैसे बोल नहीं सकते। एक अक्षर जैसा तुम लिखो, ए फॉर एप्पल, क्या क कबूतर वाला, अ अनार वाला, अ आत्मा वाला, ऐसे आत्मा, पता वर्णमाला का पहला अक्षर अ है, क्या आत्मा के लिए, ऐसे आत्मा, ऐसे अनार नहीं, अनार तो बीमारों के काम आती है, या आत्मा, ऐसे आत्मा। तो ये जो ऐसे आत्मा है ये लिख करके बताओ। अरे क्यों नहीं लिख सकते? अरे जो लिखा गया है ना वो अक्षर अपनी योग्यता से लिखा गया है। हाँ अभी अभी बताएंगे आपको, समय लगेगा थोड़ा सा, ऐसे एक ही दिन में समझ लोगे सर, रेगुलर रहो थोड़ा सा। कल आराम कर लिया आपने, आए नहीं। ऐसे आत्मा क्या बोलो, आत्मा की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है? ए से शुरू होती है, ए से शुरू होती है, डबल ए से शुरू होती है। चलो हम तो ये कह रहे हैं जो आपने लिखा है आप उसको दोबारा लिखो, हूबहू लिखो। आप लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। एक बार जो आपने पेन से साइन कर दिए ना, आप वैसे साइन दोबारा नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो साहब, पिछले 25 साल से एक जैसे साइन कर रहा हूँ, एक चेक डिसऑनर नहीं हुआ आज तक कभी, हूबहू साइन बिल्कुल मिला लो आप। कि नहीं भाई साहब, उसके दबाव में है, उसकी साइज में, उसकी बनावट में आप उसको इलाज करके देखो, वो 100% अंतर आए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो वैसा बन ही नहीं सकता है, उसकी शेप हूबहू नहीं हो सकती है। आप लोग तो रोटियां बनाते हैं ना, एक रोटी जैसी बन जाए दूसरी रोटी वैसी बन नहीं सकती, एक रोटी की जैसी दूसरी रोटी नहीं बन सकती, क्या मानो जी वैसा नहीं बना सकते बोलो। जैसी सब्जी आज बनाई है वैसी दोबारा नहीं बना सकते, एक रोटी का जितना वजन है दूसरी रोटी का वजन उतना नहीं होगा, वैसी हो जाएगी क्या, उसकी साइज वैसी नहीं होगी, दूसरी रोटी की शेप वैसी नहीं होगी, बोलो सिकाई भी सेम नहीं होगी। करो आप, क्या कहाँ कहाँ चल रही है हमारी, हम चला रहे हैं ना, ये नौकर्म की बात कर रहे हैं। ये इतना जबरदस्त भेद विज्ञान का चिंतन प्रस्तुत किया है वितरागी संतों ने, माने ये सुखी होने का मार्ग है। और ये कह रहे हैं कि तू इनसे भेद विज्ञान नहीं करता है इसलिए खाम खामे दुखी हो रहा है। क्या तू दुखी क्यों हो रहा है? खाम खामे, क्योंकि जिन नौकर्मों के ऊपर साक्षात अरहंत परमात्मा की नहीं चलती। अरहंत परमात्मा कौन आप जानते हैं? जन्म से जो अतुल्य बल के धनी है, जन्म से अतुल्य बल, ऐसा बल है जन्म से उन तीर्थंकरों के 1008 कलशों से अभिषेक करें डगमगाए नहीं, जन्म का आज जन्मा हुआ बालक इतनी पावर है, ऐसे अतुल्य बल के धनी है। हम उनके अतुल्य बल की कल्पना नहीं कर सकते, कैसा अतुल्य बल होता होगा तीर्थंकरों का। एक कलश यदि यहां जयपुर में डाल दिया जाए तो जयपुर में बाढ़ आ जाए, ऐसा एक कलश नहीं 1008 कलश जिनके सर पर डाले जाएं और नहीं जरा डिगे जिन राजा, वो जिनेंद्र देव रंच मात्र भी विचलित नहीं होंगे, ऐसा अतुल्य बल। ये तो जन्म से बात है, और साक्षात अरहंत अवस्था जब प्रकट हो जाती है तो अतुल्य बल के साथ साथ शारीरिक बल तो है अतुल्य बल, और अंदर में अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होता है अनंत वीर्य, अनंत शक्ति संपन्न। तो क्या मजाल जो अघातीय कर्मों के उदय से मिले हुए संयोगों को इधर उधर कर दे। बोलो
अपने शरीर को टिका नहीं सकते, कितनी देर बैठना है, कितनी देर चलना है, कब गमन करना है, उठना बैठना गमन करना वाणी करना, वो अनंत वीर्य के धनी भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं घिरी तो नहीं घिरी, विकल्प भी नहीं था उनको, तकलीफ भी नहीं थी कुछ भी। कौन करे बताओ, सौदर्य मंदिर क्या करे, पूरे ढाई दिन पैसे घुमा दे, ऐसी ताकत है इन लोगों में, ऐसे डमरू की तरह पूरे ढाई द्वीप को, ये तो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के में बूंद बराबर अपना विश्व नहीं है, क्या कहें, 45 लाख योजन का ये 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, उसको ऐसे ऐसे घुमा दे रहे, और 66 दिन तक इंद्रभूति को उपस्थित नहीं कर सके, लो कर लो क्या करोगे आप। इसलिए अगातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं संयोग, जितने संयोग मिलते हैं शरीर नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से शरीर संरचना, शरीर की सारी व्यवस्थाएं नाम कर्म के अधीन है, नाम कर्म के उदय पर निर्भर करती है। अभी बारीकियां बहुत है उसमें भी, अभी यदि मैं बात कहूं तो मैं कह सकता हूं नाम कर्म का उदय शरीर में कुछ नहीं करता। आप कहोगे यार ये तो आप कुछ ज्यादा, इसलिए नहीं करता क्योंकि इतनी बारीकियां हैं विषयों में, इन वस्तु स्वरूप का गहराई से जब मंथन करते हैं तो, क्योंकि नाम कर्म कारमण वर्गणा है और जितने संयोग हैं ये शरीर है ये 8 वर्गणा है, और वो जो कारमण वर्गणा है वो कारमण वर्गणा आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं हो सकती। बोलो ये शरीर कौन सी वर्गणाएं है, ये 23 प्रकार की वर्गणाएं कही है पुद्गल की, पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाओं में आहार वर्गणाएं, इन आहार वर्गणाओं का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है और नाम कर्म कारमण वर्गणाओं का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, इसलिए यह शरीर नाम कर्म की रचना नहीं है। समझना क्या कह रहा हूं, बारीक बातें थोड़ी सी, यह शरीर नाम कर्म की रचना नहीं है, तो फिर क्या है, यही समझ रहे थे हम तो, सुनो सुनो, शरीर नाम कर्म की रचना नहीं है, शरीर संरचना में नाम कर्म का उदय निमित्त है। शरीर संरचना में कोई और कर्म का उदय निमित्त नहीं होता, शरीर संरचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं, नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना बनती है, निमित्त कह दो या नाम कर्म के उदय से बनती है ऐसा कह दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नाम कर्म की संरचना कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नाम कर्म तो कारमण वर्गणा के परमाणु है, ये उसकी संरचना थोड़ी ना, ये तो आर वर्गणा की संरचना है, नाम कर्म की संरचना कैसे कह सकते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, इतना आगे मत जाओ आप लोग, जिनके समझ में आ गई तो अच्छी बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नामकरण की 93 प्रकृतियां हैं, कुछ ज्ञानवर्णी की प्रकृतियां हैं, कुछ दक्षिणावर्णी की है, इसलिए एक एक वाक्य जो बोला जाता है बहुत विचार पूर्वक बोला जाता है, हर वाक्य को बहुत गहराई से देखना। मैंने जो बात कही जा रही है, क्योंकि टोडरमल जी ने पेज नंबर 18 पर यह बात कही थी, जिन आज्ञा भंग करने का भय बराबर रखना, 17 पेज पर श्रोता के स्वरूप की चर्चा की, 18-19 के आसपास उन्होंने वहां ये बात कही, वक्ता का स्वरूप बतलाते हुए, जिन आज्ञा भंग करने का भय सदा रखना, हमारे माध्यम से जिनवाणी की बात का गलत निरूपण नहीं हो, जो बात जैसी कही है वक्ता के स्वरूप में, देखो पीछे देखो 16 पेज पे देखो, 16 पेज पे लिखा, 17 पर ऊपर भी हो सकती है, 16 पर भी हो सकती है, जिन आज्ञा भंग करने का भय, वक्ता के स्वरूप वाला प्रकरण है, 17 पेज पर तो श्रोता के स्वरूप का प्रकरण है, हर समय भय रखना भैया, जिन आज्ञा भंग नहीं हो जाए, निरंतर अपने उपयोग में ये बात रखना, 15 पेज पर है, बोलो 15 पेज पर ऊपर ही ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, किसके लिए कह रहे हैं ये, वक्ता कैसा होना चाहिए, 14 पर देखो वक्ता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप माने बोलने वाला, माने जिनवाणी के वो पढ़ने वाला वक्ता, वो कैसा होना चाहिए, 15 पेज पर क्या लिखा, जिन आज्ञा भंग करने का भय
गायब हो तो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर उनके विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। बोलो, सूत्र विरुद्ध उपदेश हो जाएगा, कितना भय होना चाहिए। तो ये आसान काम थोड़ी ना, आपको तो लगता है माइक लगा रखा है, मजे से बैठे हैं। अरे साहब, आपके तो ठाट है, काय के ठाट है, गणधर की गद्दी है, गणधर की गद्दी। एक एक वाक्य जो निकलता है वो वाक्य बहुत विचार पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो बात कही गई है वो बात कितनी गंभीरता से, जिनागम लिखना, जिनवाणी के वचन लिखना आसान काम थोड़ी ना। बोलना तो फिर चलो कोई बात नहीं, लिखना तो और कठिन काम है, और आजकल बोलना भी अच्छा आसान काम है। ये सारी रिकॉर्डिंग रहती है सब। आपने क्या बोला, क्या ऐसा थोड़ी ना कि बोला और खत्म, कोई बात नहीं, किसने क्या सुना, चले भाई साहब रिकॉर्ड है, हर बात रिकॉर्ड होती है, हर बात मतलब कहाँ से कहाँ चले जाती है। कई लोग मिलते हैं रोजाना के प्रवचन सुनते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं कई, ये कई कई लोगों को भेजते हैं, कई लोग मेरे, कई जो हैं बुआ सास वगैरह, और कई जो हैं किशनगढ़ में बहुत सारे लोग, वो सब रोज के रोज सुनते हैं, डेली के प्रवचन सुनते हैं। मतलब सभा में जितने लोग बैठते हैं इतने ही लोग सुनते होंगे करीब, क्योंकि वो फिर और आगे भेजते हैं, वो और आगे भेजते हैं, फिर सेकंडों में चले जाते हैं आगे। ये कहावत कहाँ कहाँ घूमते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, वहाँ 200-250 लोग होते हैं। अब उसमें 200-250 में से दो लोग भी यदि सुने, मान लो हो सकता है इतना 1-8% लोग सुनने वाले मान करके चलो, आप जितनों के पास में पहुंचता है उतने में से। ये कहावत खत्म हो गई, एक हजार सोबा का। हाँ नहीं, बात रिकॉर्डिंग संबंधी है ना, वैसे भी अभी यही बात। चलो, बात क्या कर रहे थे हम यहाँ, नौ कर्म से वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं भाई। नौ कर्म से वेद विज्ञान, नौ कर्म माने क्या बतलाया हमने, शरीर और संयोग आदि, ठीक है ना। तो ये शरीर और संयोग आदि जो हैं, ये सब नाम कर्म के उदय से शरीर, आयु कर्म के उदय से शरीर में टिके रहना, ठीक है। गोत्र कर्म के उदय से ऊंच और नीच कुल की प्राप्ति, उच्च गोत्र नीच गोत्र कुल मिला। और वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के दो वेद, साता और असाता, उससे अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग। साता के उदय से और असाता के उदय से अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो तरह के संयोग जो मिलते हैं, ये वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं। वेदनीय कर्म का उदय ही निमित्त बनता है संयोगों के मिलने में। अब कह रहे हैं कि आघातीय कर्मों का उदय अरंत भगवान के भी चल रहा है, अरंत भगवान के भी आघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। बोले हटा दो किसी को, कौन हटाए, जिस काम को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा अनंत वीर्य के धनी नहीं कर सकते, ये उस काम में लगा है। हाँ बोलो, आप वो नहीं कर सकते, ये उस काम में, मैं कर दूंगा सब। क्या भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, क्या कुछ करता धरता नहीं है, ये नहीं, नहीं भगवान तो वीतरागी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, मैं तो रागी देशी हूं साहब, मैं तो कर सकता हूं। ये देखो, ये भगवान से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। वेद विज्ञान हो, फिर दूसरा वेद विज्ञान किससे करना, द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म से मतलब कर्म के उदय से भी दृष्टि हटाओ। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति है। जड़ कर्म मेरे को घुमाता है, जड़ कर्म परिभ्रमण कराता है। कर्म 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 की तरफ से देखना बंद कर, अपने स्वभाव की तरफ देख, कर्म अपने आप छूट जाते हैं। कर्म को छोड़ने का उपाय कर्म की तरफ देखना नहीं है, कर्म का चिंतन करना नहीं है, कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, कर्मों के कितने भेद प्रभेद हैं, कितने कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां किस किस प्रकार का फल देती है, कौन से स्वमुख से उदय में आती है, कौन सी परमुख से उदय में आती है, कौन से कौन स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है, कितने का उदय होता है, कितने की ये होगा वो होगा, है किन में संक्रमण होता है, किन में नहीं होता है, उत्कर्षण अपकर्षण किन किन में होगा, कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इन सब को जानने से कर्म नहीं छूटते। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पूरा बंध अधिकार लिखा, पूरा आश्रव अधिकार लिखा, लेकिन कर्म की एक भी प्रकृति को नहीं समझाया, ना आश्रव अधिकार में ना बंध अधिकार में। शाम को चलता है समय साथ,
क्या? बहुत समय लगेगा अभी तक पहुंचने में। क्या बोलो? क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान करना है उससे, कर्म की तरफ देखना ये कर्म से छूटने का उपाय नहीं है। अपने स्वभाव की तरफ देखना ये कर्म से छूटने का उपाय है। मेहमानों को घर से विदा करने का उपाय उनकी आवभगत करना नहीं है। अपने काम में लगे रहो, बेचारे बहुत सज्जन है, मेहमानों की तरह बहुत नाक वाले हैं ये कर्म। तुम देखते रहोगे तो टिके रहेंगे, और तुम देखना बंद कर दो क्या? क्या दूसरी बार आएंगे ही नहीं, और कदाचित दूसरी बार भी आ गए मान लो, और फिर आपने पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो क्या यार वहां के बिज्जती कराने जाएंगे? कौन जाएगा वहां? मैं नहीं जाने वाला, वहां आएंगे नहीं दोबारा क्या? बोलो अब देखो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं अपन। हाँ कुछ नहीं कर सकते भाई। तो द्रव्य कर्म की बात होगी। अच्छा चलो भाव कर्म पर आ जाओ। भाव कर्म पर भी तुम्हारी नहीं चलती, आप गुस्सा नहीं कर सकते। भाव कर्म माने राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम, इन सबको क्या कहते हैं? भाव कर्म। करो गुस्सा, अरे अभी देखना गुस्सा आ जाएगा मेरे को। क्या तुम कितना भी कहते रहो क्या तुम्हारी चलती नहीं है? तुम उस क्रोध को बनाए नहीं रख सकते, तुम उस क्रोध को टिकाए नहीं रख सकते क्या? तुम्हारा राग भाव देश भाव कषाय भाव क्रोधादिक परिणाम ये सब भाव कर्म है, ये सब अपने स्वभाव के विपरीत भाव हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब मुझसे भिन्न है। तो साहब आपने परिवार से भिन्न करा दिया, आपने शरीर से भिन्न करा दिया क्या? और अपने अपने कर्मों का फल सोचते थे हम, आप कहने लगे कर्मों से भी भिन्न हो। फिर हम सोचते थे कि अपने परिणाम ही हमारे साथ हैं, अब तुम कह रहे हो कि तुम राग द्वेष अपने परिणामों से भी भिन्न हो, तो फिर मैं हूं कौन ये तो बताओ? सब निकाल दिया आपने, तो इन सब से वेद विज्ञान करा करके क्या किया कि तू चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान आत्मा है, तू परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, तू जीव तत्व है, तू अभेद है अखंड है एक है नित्य है एक रूप है, ऐसा तेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का चिंतन कर ये यहां तक पहुंचाया। देखो जब वो विचार छूटेंगे जिन पे मेरी चलती नहीं है, वहां से मेरी दृष्टि हटे बिना रहती नहीं है। बोलो ये नियम से बात ऐसी है, जहां तुम ये सोचते हो कि मेरी चलती है दृष्टि वहां जाती है। जब आपने सोच लिया कि इस पर मेरी चलती नहीं है तो फिर दृष्टि वहां क्यों रहेगी? ये आत्मानुभूति का उपाय बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं जहां तेरी चलती नहीं है वहां तेरी दृष्टि क्यों रहेगी, और जहां तेरी चलती है वहां तेरी दृष्टि आएगी। बोलो मैं आपसे कहता हूं आपके चार बच्चे हैं, मान लो चार बच्चों में से समझ लो आप तीन बच्चे कहना नहीं मानते, सुनते ही नहीं, और एक मानता है, तो आपको कोई भी काम होता है तो आप किससे कहते हो? उनसे नहीं कहते। और यद्यपि वो बार बार ये भी कहता रहता है मुझसे क्यों कहते हो, उनसे क्यों नहीं कहते? क्या करें? देखो भाई सीधी सी बात है, जहां चलती हुई दिखाई देती है हम वहीं चलाना चाहते हैं, और जहां चलती हुई नहीं दिखती है वहां हम चलाना भी नहीं चाहते। ये सहज स्वभाव है भाई साहब, जहां नहीं चलती है वहां ये चलाना भी नहीं चाहेगा। ये समझा रहे हैं कि तेरी चलती नहीं है, ये बार बार समझा रहे हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो चलाना नहीं चाहेगा, और चलाना नहीं चाहेगा तो दृष्टि वहां से हटेगी, और वहां से हटेगी तो कहां जाएगी? कि पर से हटेगी तो अपने में आएगी, वो अपने में आएगी तो अपनी अनुभूति अतिंद्रिय आनंद, वो आनंद की तरंगें उठती हैं, रोमांच हो आता है, विकल्प छूट जाता है, चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है, सर्व परिणाम उसी में एकाग्र होकर के प्रवर्तते हैं, नए प्रमाण आदि का विकल्प नहीं रहता है, सर्व विकल्प टूट जाते हैं, और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। ये विधि है निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की, इस विधि से चलना है अपने। ये आपके कहने से राजन जी ऐसा पुराना विषय थोड़ा सा मैंने वापस लिया है क्या? मजा आ गया। लेकिन किसी भी पुराने विषय में मैंने कोई बात पुरानी वापस कही नहीं है। नहीं, 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 नहीं,
दिखलेगी नहीं बात, दिखलेगी क्योंकि वो बात दोबारा आ ही नहीं सकती। जो कल कही वो आज नहीं आ सकती, जो बात कल कही है वो आज नहीं कह सकता। कोई कहे कि साहब कल आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, आज कई लोग नए आए हैं, आप कल वाला ही दोबारा कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो हूबहू हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति हूबहू नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं आप कल जैसे आज बैठ ही नहीं सकते, आप दो मिनट पहले जैसे बैठे थे वैसे दोबारा नहीं बैठ सकते। हर समय आनंद पुद्गल परमाणुओं का शरीर से निकलना, आनंद पुद्गल परमाणुओं का शरीर में आना बराबर चल रहा है। आप कहते हो मेरा वजन बहुत बढ़ गया, हम कहते हैं कौन से दिन बढ़ा था जी, ये क्या पता कब बढ़ गया, कब कब हुई ये प्रक्रिया 2 किलो वजन बढ़ने की। हर समय आनंद पुद्गल परमाणुओं का आना चल रहा है शरीर में, हमारे पूछे बिना ही एंट्री हो रही है, हमसे पूछ करके नहीं आते और पूछे बिना ही जा रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणु शरीर में आ रहे हैं, अनंत पुद्गल परमाणु शरीर से निकल रहे हैं हमसे पूछे बिना। कौन सा नाखून कितना बढ़ना है, कौन सा बाल कितना बढ़ना है, किसका परिणमन कैसा होना है, सब स्वतंत्र हैं। इसलिए वो पंक्तियां हैं समुद्र में स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, कितने सुंदर पंक्तियां। देखो आप ये निर्विकल्प अनुभूति के बारे में बात कह दी, और फिर तत्वान्वेषण काल में, तत्व के अन्वेषण काल में ना नय रहता है ना प्रमाण रहता है, किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सब निर्णय करने के लिए तो माध्यम है। निर्णय हो जाने के बाद बोले फिर इनका कोई योगदान नहीं। क्या आप सोचो, आपको यदि अपने लड़के के लिए कोई लड़की देखनी है या लड़की के लिए कोई लड़का देखना है, तो आप किसी डिसीजन पर पहुंचे उसके लिए कई लोगों का योगदान होता है। आप उनसे पूछते हैं, फिर वो कोई राय देते हैं, फिर वो कुछ बतलाते हैं, फिर वो कुछ बतलाते हैं, सब जगह से पूछते हैं, तो हमारे निर्णय लेने के अंदर कई लोगों का योगदान रहा ना। कई लोगों ने चर्चा की, हमने नहीं साहब जहाँ जहाँ हमने पूछा सब जगह से रिपोर्ट बिल्कुल ओके, सब जगह से हमने, आपने निर्णय ले लिया। अब निर्णय लेने के बाद क्या, और शादी हो जाने के बाद अब किस किस को याद, आपकी किसने करवाई थी क्या पता साहब, ऐसा मत कहना कि उसको आज तक तलाश ना हो। किसने कराई थी अब भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये जितने 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 साधन हुए आत्मवस्तु तक पहुंचने के लिए, जिनको हमने नए कहकर के पुकारा, निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायिक आदि नए कहकर के पुकारा, जैसे हमने प्रमाण कहकर के पुकारा, जिसको हमने निक्षेप आदि कहा, मतलब ये सब विकल्पात्मक भूमिका में तो साध्य होते हैं। फिर जब सर्व विकल्प टूट जाते हैं तब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है, और जब अनुभूति होती है तो उस समय ना नए होते हैं, ना निक्षेप होते हैं, ना प्रमाण होता है, ये सब सब खत्म हो जाते हैं। समय सार में बहुत वर्णन किया है ऐसा, इन्होंने भी समय सार की टीका का हवाला दिया है, नीचे प्रकरण आएगा, अपन करेंगे सब चर्चाएं विस्तार से। मैंने ऐसे ऐसे कलश, मतलब जो 144वीं गाथा के आसपास का जो प्रकरण है ना, कर्ता कर्म अधिकार का जो अंतिम अंतिम गाथा 144 कर्ता कर्म अधिकार की समय सार में, वो बहुत सुंदर प्रकरण। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कलशों की जो लाइन लगाई है, क्या ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक कहे बंधा है दूसरा नए कहे बंधा नहीं है, एक कहे एक रूप है दूसरा कहे अनेक रूप है, ये जो जिस तरह के विकल्प खड़े होते हैं, बोले सर्व विकल्पों को तोड़ो और तुमको अनुभव करो। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु पहचान। विकल्पों की क्या अहमियत है ये बतलाया है इन्होंने यहां। ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प परम शुद्ध निश्चय वाले विकल्प चलने लगे, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भाव रही द्रव्यार्थिक नय का विषय,
निश्चय व्यवहार की शैली में वो नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय ने उसके विषय की बात है। यदि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली की बात करूं तो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नहीं की बात है। यदि मैं समय साथ छठवी गाथा की शैली में कहूं तो जो ज्ञायक भाव है। यदि मैं नियम सार की शैली में कहूं तो मैं कह सकता हूं जो कारण परमात्मा है। यदि मैं तत्वार सूत्र की शैली में कहूं तो मैं कह सकता हूं जो परम पारणामी भाव स्वरूप है। क्या बोलो? यदि मैं द्रव्य संग्रह की भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं सव्य शुद्धाउन शुद्धनया। यदि मैं डॉक्टर भारत साहब की शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और यदि मैं वर्णी जी के शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह भगवान। आप जिस अनुभूति की इतनी बातें करते हो यह अनुभूति गृहस्थ दशा में हो सकती है कि नहीं? यह गृहस्थ आत्मा में जा सकता है कि नहीं? क्या बहुत लोगों को इस प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं? एक तो नहीं, सैकड़ों प्रमाण हैं। पिछले दिनों में हमने कई प्रमाण आपके सामने इस तरह के प्रस्तुत किए हैं। अभी मुझे योग सार की 65 नंबर की गाथा याद आ रही है। योग सार की 65 नंबर की गाथा में क्या कहा? सागर यान गार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। क्या कहा पहली लाइन में देखो, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में प्रयोग किया है। सागार हो, सागार माने होता है गृहस्थ, या अनगार हो माने मुनि हो, मुनि हो या गृहस्थ हो पर आत्मा में वास हो। क्या इसका मतलब? मुनि अवस्था में तो आत्मा में वास होता ही है, हो ही सकता है, कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा का वास हो सकता है। 1600 साल पहले, 1500 साल पहले योगेंद्र देव आचार्य ने योग सार ग्रंथ की 65 नंबर की गाथा में बात लिखी। आत्म अनुभूति गृहस्थ को हो सकती है कि नहीं? क्यों, गृहस्थ के पास आत्मा नहीं है क्या? तो फिर अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? सैनी पंचेंद्रीय है, मन वाला है, बुद्धिमान है, विकल्प से निर्विकल्प ही तो होना है। और निर्विकल्प होना तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सब काम धाम निपट जाते हैं तो निर्विकल्प हो जाते हो। शादी विवाह का प्रसंग चल रहा है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां माथे पर है सब, अब वजन उतर गया, अब क्या, अब आप निर्विकल्प होकर बैठ जाते। यही तो है, ये भी यहां कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप के बारे में जानो, पहचानो, उसके स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास करो। कैसा है आत्मा? अनेक प्रकार की युक्तियों से, अनेक प्रकार के साधनों से, समझ लो आप निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सात संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत्वेश्य, ये सब साधन ही तो बतलाए, प्रमाण नए अधिगमे है। तत्वार सूत्र के अंदर पहले अध्याय का छठवां सूत्र, सातवां सूत्र, आठवां सूत्र, ये सब सूत्र साधन ही तो बतलाए। और क्या होगा? स्वामी आचार्य ने किन किन साधनों से कैसे कैसे निर्णय करना है वो सब विधि उन्होंने बतला दी। फिर निर्णय हो जाने के बाद में अब क्या होगा? अब निर्णय होने के बाद में क्या होगा? अब निर्णय होने के बाद में कुछ नहीं, मजे करो, क्या हो गया काम? सबसे बड़ा काम है निर्णय, डिसीजन। निर्णय नहीं, निर्णय लेने के अंदर महीनों लग जाते हैं, निर्णय लेने में वर्षों लग जाते हैं क्या? और निर्णय हो जाने के बाद में बोले फिर तो हो गया। शादी के बारे में बोलो निर्णय करना है और देख रहे हैं, हैं? और निर्णय नहीं कर पा रहे, और निर्णय हो गया अब तो हो गई शादी। निर्णय हो जाने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति उस लड़के के बारे में पूछे, वे कहते नहीं नहीं उनकी तो हो गई पक्की, उनका तो हो गया है। देखो आप सबको याद आते हैं क्या? इनको तो बहुत याद आते हैं, ये चढ़ा देते हैं, ये बाजे बजा देते हैं, बाजे बाजे बजा देते हैं और पिक्चर बना देते हैं अपने यात्रा के दौरान, बोले इनकी भी बन गई बोला क्या कह रहे हैं यहाँ भाई? देखो सविकल्प से निर्विकल्प होने की ये विधि है, ये विधि यहाँ इन्होंने बतलाई है। मैं रत्नों वाले एग्जाम्पल को वापस पढ़ता हूँ, फिर शेष चर्चा अपन कल आगे बढ़ेंगे, इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे।
ज्ञान की क्या स्थिति रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रत्न खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं, यहाँ इन्होंने रत्न शब्द का प्रयोग किया है, आपको जो चीज पसंद हो वो चीज आप यहाँ ला सकते। क्या मकान बनाने में अनेक विकल्प होते हैं, फिर बन जाने के बाद में कुछ नहीं, मजे से रहता। भोजन बनने के समय किसी मेहमान को बुलाना है, अब क्या करो कि बुलाना है तो बुलाने अनेक विकल्प होते, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये बना लेंगे, ये सब्जी बनाए, मिठाई क्या होगी, मीठे में क्या होगा, नमकीन क्या होगा, कितने बजे आएंगे, ये वो दुनिया भर के विकल्प चलते हैं। अब फिर सब निर्णय हो जाने के बाद में अब कोई विकल्प नहीं, देखो मेहमान विकल्प करके नहीं आता, क्या वो अतिथि है उसे कोई विकल्प नहीं है। रत्नों को खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष पहचान, ये प्रत्यक्ष अनुभूति की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद में विकल्प नहीं होते, तो उसे पहचानने से जब विकल्प नहीं है तो पहनने से सुखी होता है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है, और ऐसा निर्विकल्प अनुभव हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम।